नगर निगम ने शहर की दुकानों से 2.5 क्विंटल से अधिक अमानक स्तर की पॉलिथीन जब्त की है। आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा शनिवार को दौलतगंज सब्जी मंडी, छत्री चौक पानी की टंकी, मावा बाजार में कार्यवाही करते हुए 2.5 क्विंटल से ज्यादा मात्रा में अमानक स्तर की पॉलिथीन जब्त की गई। दौलतगंज में कमला एंटरप्राइजेस, छत्री चौक पानी की टंकी पर नोबल प्लास्टिक एवं मावा बाजार में श्री डिस्पोजल पर कार्यवाही करते हुए पॉलिथीन जब्त की गई। साथ ही उक्त फर्मों पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। एसआई मुकेश भाटी जी, एसआई मुकेश भाटी जी। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की नवीन गाइडलाइन एवं मानकों की पूर्ति के लिए शहर में पॉलिथीन का उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा निरंतर व्यापारियों को समझाइश भी दी जा रही है कि पॉलिथीन का उपयोग ना करें, फिर भी व्यवसायियों द्वारा अमानक स्तर की पॉलिथीन का उपयोग किया जा रहा था, जिसके क्रम में कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी संजय कुलश्रेष्ठ, धीरज मैना, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक पुरुषोत्तम दुबे द्वारा की गई। महोदय के आदेश के पालन में जो शासन की गाइडलाइन है, 50 माइक्रोन से कम की थैली नहीं बिकेगी, उसमें नगर निगम सतत प्रयास कर रहा है। आज हमें किसी एक्साइज यार्ड से सूचना मिली कि 2-3 थोक उत्पादक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देख रहे हैं, इसलिए संयुक्त दोनों हेल्थ ऑफिसर पुरुषोत्तम दुबे जी, मेरे मेट दरोगा चंदीराम जी, हम लोगों के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करके 2 जगह से लगभग 1.5 से लेकर 2 क्विंटल और फिर जब्त की गई और ये कार्रवाई सतत जारी है। कौन कौन सी दुकानों पर की गई है? एक तो आपके सामने ये और सेकंड वन का कमला इंटरप्राइजेज के मालीपुरा दौलतगंज के पास।